सा स्टोरी पे जाएंगे। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी की जर्नी, अभी तक की जर्नी के बारे में? अभी तक की जर्नी बहुत इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक बहुत एक्साइटेड भी रही है, बहुत अप एंड डाउन भी रहे हैं, बहुत स्ट्रगल भी रही है, बहुत रिवॉर्डिंग भी रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स रही हैं इसमें। सो अभी तक की जर्नी में किस तरह सपोर्ट मिला फैमिली से या हर तरह से इंडस्ट्री में किस तरह सपोर्ट मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका? फैमिली का सपोर्ट आई गॉट जब मैंने साउथ की दो तीन फिल्में कर ली थी उसके बाद, मतलब जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखना शुरू किया, मेरे एड्स देखे, उसके बाद से मिलना शुरू हुआ। बिकॉज पहले तो दे वर वेरी डाउटफुल एंड एक्चुअली वहाँ किसी को कुछ आइडिया नहीं है, सो दे जस्ट नॉट दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो अगर आप सपोर्ट भी किसी को तब करोगे व्हेन यू नो व्हाट इज़ देयर टू सपोर्ट ऑल्सो, सो वेल नो कंप्लेन। एंड ऑफकोर्स लोगों से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, तो तभी मैंने इतनी सारी फिल्में अभी तक साउथ में और हिंदी में सब की है, बिकॉज दे आर पीपल हु हैड फेथ इन मी, दे आर पीपल हु थॉट दैट यू नो आई कैन डू दिस। सो इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दे आर पीपल हु लाइक आई डोंट गेट एनी सपोर्ट लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ से आपको उम्मीद होती है पर यू डोंट गेट एनीथिंग आउट देयर, एंड जहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब तक उनके प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नो जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं सब गायब हो जाते हैं। सो इट्स ऑल लाइक मिक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल यू हैव। सो द स्टार्टिंग आपने डेब्यू किया तमिल फिल्म से, सो किस तरह आप उस फिल्म से जुड़ी और क्या क्या याद है उसके बारे में क्या कहना? माय फर्स्ट फिल्म वॉज घोसला का घोसला रीमेक इन तमिल, एंड प्रियदर्शन और यूटीवी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, और उनके एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय ए एल विजय, ही इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर राइट नाउ इन साउथ। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एंड उस समय मुझे याद है आई मीन व्हेन आई वाज शूटिंग इन चेन्नई एवरीथिंग बहुत सब मुझे ऐसे एलियन जैसा फील आता था, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं पता थी मुझे, मतलब डोसा सबने खाया होता है लेकिन डोसे के अलावा भी वो लोग बहुत सारी चीज़ें खाते, विच आई वाज जस्ट नॉट अवेयर ऑफ द फूड द कल्चर द लैंग्वेज दे स्पीक एंड ऑल, एवरीथिंग वॉज सो 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 डिफरेंट फॉर मी, तो थोड़ा बहुत एक्चुअली बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए। हाँ, क्या कुछ डिफरेंस दिखने मिला आपको? हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, बिकॉज आई एम हिंदी स्पीकिंग गर्ल, हिंदी जो है वो मेरी मातृभाषा है और घर में सब हिंदी बोलते हैं, मेरी फैमिली इटावा में है, दे ऑल वेल सेटल्ड देयर, और मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखते लेकिन मेरी दोनों फिल्में उन्होंने थिएटर में जाके देखी हैं, विच इज़ क्वाइट अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज एक तो होता है कि आप मैं जब घर से आई थी मैं अपने पेरेंट्स को बोल के आई थी कि आप लोग जो पहली फिल्म देखोगे वो मेरी होनी चाहिए, बिकॉज इटावा में बहुत समय तक थिएटर ही नहीं थे, तो बहुत टाइम के बाद थिएटर आए वहाँ पर, और फिर उसके बाद ऐसा क्राउड नहीं था कि जहाँ पर फैमिली सब जाके फिल्म देखें। सो आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई प्रॉमिस माय पेरेंट्स कि आपकी जो पहली फिल्म होगी वो मेरी फिल्म होगी, तो बोल के तो बड़े उसमें आ गई थी मैं, बट वो पहली फिल्म मुझे करने में बहुत टाइम लग गया। सो आई स्टिल रिमेंबर जब लाल रंग रिलीज़ हुई और मेरी मम्मी ने मेरी फैमिली के साथ थिएटर से वो एक सेल्फी खींच के भेजी, तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अब मैं मर जाऊँ तो कोई गम नहीं तो गंगा नहा ली सॉर्ट ऑफ। सो रणदीप के साथ भी आपने काम किया, हाँ, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत 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 मज़ा आया, एंड लाल रंग में आई वॉज नॉट पेयर्ड विद रणदीप, आई एम स्टिल होपिंग एंड प्रेइंग आई शुड गेट वन फिल्म विद रणदीप एज लाइक एज इज पेयर, बिकॉज माई आई वॉज पेयर्ड विद अक्षय, तो मेरे जो मोस्टली सीन थे वो अक्षय के साथ थे, रणदीप के साथ थे क्लाइमेक्स में थे और बीच बीच में आना जाना लगा रहता था, बट रणदीप मैंने उनके जैसा यू नो डेडिकेटेड एक्टर नहीं देखा, आई मीन ऑफकोर्स हर कोई अपने रोल के लिए प्रिपेयर करता है और अपने हिसाब से सब लोग अपना बेस्ट देते हैं, बट उनका जो एक लेवल है ना वो मतलब मुझे लगता ही नहीं कोई टच भी कर सकता है। अभी वो बैटल ऑफ तारागिरी जो शूट कर रहे हैं पिछले 2 साल से मैं उनको बियर्ड में देख रही हूँ, आई मीन कोई और होता उनकी जगह तो सोचता है यार हटाओ यार और काम कर लो, आई एम टेलिंग यू मतलब बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए, वो पैशन चाहिए, वो अलग ही कुछ, वो अलग ही क्रिएटर कुछ है, वो कुछ अलग ही है। सो डेडिकेशन की बात करी जाए तो आपने भी अपने सर के बाल निकाले थे आप, हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं एक्चुअली नहीं मैंने बाल नहीं निकाले थे फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो न्यूज़ आई थी ये मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं था, किसी ने मुझसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं लिया था, दे जस्ट रोट अबाउट इट, बट द थिंग इज मैंने बॉल कैप यूज़ किया था एंड आई हैव कर्ली हेयर, मुझे इतना मुश्किल हुआ था वो कैप लगाना,
दो से तीन घंटे लगाने में, दो से तीन घंटे निकालने में, 8 घंटे का शूट। और जब बॉल कैप का होता है, सब वो मेकअप से पूरा कवर करते हैं। यू नॉट सपोज टू टच योर हेड, यू नॉट सपोज टू मूव मच, यू नॉट सपोज टू लाफ मच, बिकॉज सारे मसल्स पुल होते हैं, इट तो इट कैन कम आउट। एंड द फॉर 8 आवर्स और समथिंग आई यूज टू जस्ट परफॉर्म एंड सिट क्वाइटली। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होता था, पसीना आ रहा है आपको अंदर ही अंदर, इचिंग हो रही है, कैन डू एनी थिंग फॉर 8 आवर्स। एंड देन द मेकअप गाय ही विल टेक सम 2 आवर्स और 3 आवर्स टू रिमूव द कैप। तो जब तक मुझे सांसें भी नहीं वापस आती थी, और मैं क्योंकि हम लोग बहुत लेट नाइट तक शूट करते थे, तो 3-4 घंटे के बाद पता चला सेम प्रोसेस हम फिर से कर रहे हैं। सो आई हैड अ वीडियो लाइक विद मी बिफोर, जहाँ पे एक्चुअली आई यूज टू गेट अप एट 3 o'clock, बिकॉज 6:30 or 7 फर्स्ट शॉट, एंड साउथ में अगर वो बोलते हैं 7 तो 7। सो 3:30 आई यूज टू गेट अप एंड ऑल, एंड मैं सो रही होती थी, और मेकअप वाला जो बंदा है वो कैप लगा रहा होता था। इट वॉज लाइक सो टफ। तो मैंने अपनी डायरेक्टर को बोला, ऐसे इससे अच्छा तो मैं जाके शेव करा लेती। बट द थिंग इज दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस वी जस्ट शॉट फॉर 3 डेज, एंड देन आई हैड टू शूट द होल फिल्म, तो इट वॉज नॉट वाइज टू जस्ट गो एंड शेव माई हेड। सो जॉनर्स की बात करें तो किस जॉनर आप पसंद करते हैं, किस तरह कंफर्टेबल मानते हैं खुद को काम करने में? सी आई टेल यू समथिंग, साउथ में मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, दे ऑलवेज गेव मी वेरी अर्बन लुक एंड वेरी हैप्पी और बबली और समथिंग। हिंदी में आई गॉट वेराइटी। दिस साउथ फिल्म इज लाइक वे डिफरेंट फ्रॉम माई ऑल अदर फिल्म इन ऑल द लैंग्वेजेज एंड ऑल। तो अभी तक जॉनर डिसाइड करने के लिए आप तभी कर सकते हो कि जब आपने हर जॉनर में एक एक फिल्म कर ली है, और आपको अब समझ में आ रहा है कि दिस इज थिंग आई कैन डू। मतलब आपको खाना टेस्ट करना पड़ेगा ना बताने के लिए विच इज़ अ फेवरेट डिश, लाइक दैट। सो टिल द नाउ आई डोंट डू ऑल द जॉनर फिल्म, आई डोंट नो विच इज लाइक द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ। आई डोंट थिंक आई विल यू नो बाइंड माई सेल्फ इन दैट कि यही जॉनर करना है वही जॉनर करना है। जो भी अच्छा, अच्छे सेटअप का, अच्छे प्रोडक्शन का ढंग का, सॉलिड बैकग्राउंड से जो भी आता है, आई एम ओके फॉर इट। सो आपके मूवी के बारे में बताया कि आपका मूवी जो है, हाँ, उसके बारे में बताया आपका किरदार कैसा है, मूवी कैसी? मेरी अभी जो 25 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, इस कॉल्ड अभियान अनु, एंड इन तमिल इस कॉल्ड अभियम अनुवम। मलयालम इज वेरी टफ, आई कांट प्रोनाउंस इवन द मलयालम टाइटल। एंड दिस फिल्म प्रोड्यूस बाय सारेगामा, उनका नया उन्होंने स्टूडियो अपना खोला है, इस लाइक यूडली फिल्म्स। दे हैव प्रोड्यूस आई मीन मेड सम ब्यूटिफुल फिल्म लाइक आजी, कुछ भी के अल्फाज, एंड दिस इज़ देयर फर्स्ट तमिल फिल्म। सो द फिल्म इज़ एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ रियल स्टोरी, इट एक्चुअली हैपन विद सम कपल इन लैटिन अमेरिका। एंड सोशल मीडिया पे व्हेन आई पुट एनी अपडेट और एनी स्टेटस एंड माय बॉल्ड हेड और समथिंग, सो पीपल आर गेसिंग, दे सेइंग इट कैन बी द स्टोरी ऑफ कैंसर पेशेंट और समथिंग, बट आई टेल यू इज़ नथिंग लाइक दैट। इज समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन, समथिंग लाइक आई डोंट थिंक वी मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म्स लाइक एवरी डे, वी डोंट मेक दिस काइंड ऑफ स्टोरीज। एंड आई somewhere I'm like very scared also, very nervous also, I don't know how people are gonna take the story, because it's not a usual Hindi film, like Hindi story or the Indian story sort of. So aap south ki movie kar rahi hai, to south mein aapke role model dekha jata hai, aapki pasand in south movies? I tell you very frankly, my role model is my mother, nobody else. Not in South, not in Bollywood, nobody, because they all living their life on their own terms, and you know, sometimes you agree with something, sometimes you don't agree with some things, right? So I don't think, I mean, we shouldn't make people role model just like that. So film ki baat kari jaye to Bollywood mein kis actor ke sath aap kaam karna pasand kariye, aapki hope hai, expectation? Okay, so being an actress, I'm like very greedy actually. Give me all, give me everyone. But then, still, if you ask me this question and you really want to answer, then I would love to work with Aamir Khan any day. So, lastly, अपने fans को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने film को लेकर और किस तरह क्या कुछ? I want to say that apart from Tamil and Malayalam, this film is releasing with the subtitle like worldwide, and बहुत different film है. आई एम श्योर अभी आपको लग रहा हो कि सब लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं, सब यही बोलते हैं बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बट आई सीरियसली आई गारंटी यू, व्हेन यू सी द फिल्म, डोंट ट्राई एंड गेट टू नो द स्टोरी बिफोर वॉचिंग इट, जस्ट वॉच इट, एंड आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो फेसबुक पे आके मिल लेना मुझसे। वॉच दिस फिल्म, इट्स रियली रियली नाइस, बहुत डिफरेंट फिल्म है, आपकी इमेजिनेशन के बाहर की फिल्म है। आई एम श्योर इफ़ यू रियली
watch this film in theater, you will come back to me and I'm sure we'll give you the positive news. So lastly, ye kitni languages mein uske bare mein kya kuch? This is in Tamil and Malayalam, and but we're releasing worldwide with the subtitle, English subtitle.